बड़ी खबर, जहां सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। मोहन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक बुलाई है और आज दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। सभी विभागों के एसीएस, पीएस और कमिश्नर, अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अधिकारियों के साथ की ये बैठक इसलिए भी खास हम कह सकते हैं कि क्या कोई नियम बदले जा सकते हैं या फिर नियमों में और भी ज्यादा दुरुस्ती लाने की जरूरत है। कड़ाई से नियमों का पालन करवाने को लेकर भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अक्सर हम सड़कों पर भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो अवैध अतिक्रमण देखा जा रहा है कि किस तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उनको लेकर भी क्या कोई आदेश जारी किया जा सकता है। कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करना है, आज इस पर ये मीटिंग बेहद अहम हो सकती है। मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आज अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे और 12:30 बजे के करीब बताया जा रहा है जब यहां पर कमिश्नर के साथ साथ कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। हायर कमिश्नर लेवल के अधिकारी मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर यह बैठक होगी। इसमें अधिकारियों के साथ बैठक, हालांकि जानने की कोशिश भी करेंगे मौजूदा व्यवस्था को मोहन यादव, और कुछ दिशा निर्देश भी वो जारी कर सकते हैं। वासु चौरे संवाददाता जुड़ गए हैं भोपाल से। वासु, आज अधिकारियों के साथ बैठक होगी मोहन यादव की, कितनी अहम है ये बैठक और क्या कानून व्यवस्था को लेकर कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? आप बिल्कुल देखिए, किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बेहतर से बेहतर बनी रहे, और इसी दिशा में आज जो है वो महत्वपूर्ण बैठक नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुलाई है। कल मोहन यादव ने शपथ ली और उसके बाद से ही लगातार देख रहे हैं कि मोहन यादव जो है वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। कल जिस तरह से पहली कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, और आज तमाम जो कमिश्नर हैं, कलेक्टर हैं और अधिकारी हैं, अलग अलग जो निगम मंडल हैं उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। और निश्चित तौर पर मध्यप्रदेश की कानून व्यवस्था की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, शांति व्यवस्था की बात की जाए, तो इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा होगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज फीडबैक भी मोहन यादव ले सकते हैं और जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो जारी करने का काम कर सकते हैं। विशेष तौर पर कल जो निर्णय लिए गए कि लाउड स्पीकर्स पर मध्यप्रदेश में बैन रहेगा और इसके साथ ही खुले में अंडा मांस मछली जो है वो नहीं बिक सकेगा, तो इन तमाम जो बड़े आदेश हैं इनका पालन सुनिश्चित हो सके और गुड गवर्नेंस जो एक स्थापित करना किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है, क्योंकि मध्यप्रदेश में लंबे अरसे से बीजेपी की सरकार रही है, बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा कार्यकाल किया है, तो उसको आगे बढ़ाना और उससे बेहतर व्यवस्थाएं जनता के बीच देना, ये कहीं ना कहीं चुनौती नई सरकार के सामने होगी। और बड़ी बात यह है कि अभी सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम पूरे मध्यप्रदेश की कमान जो है वो संभाले हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों से ज्यादा उम्मीदें सरकार को होंगी कि तमाम व्यवस्थाओं को लेकर वो सुचारू रूप से चलाने का काम करें। जो तमाम अलग अलग विभाग हैं जिनका फिलहाल कोई मुखिया नहीं है, मुख्यमंत्री के अंडर में ही ये सारे विभाग जो है फिलहाल उनकी अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, तो उसको बेहतर रूप से अधिकारी संचालित करें, तो ये जो बड़े दिशा निर्देश हैं। गुड गवर्नेंस की बात आपने की वासु, और वाकई में इसी को स्थापित करने की कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया, बने रहिए, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। आज साय कैबिनेट की पहली बैठक होगी। विष्णुदेव साय आज कई विषयों पर चर्चा करेंगे, कई प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। मोदी की गारंटी और घोषणा पत्र में किए वादों पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 प्रमुख घोषणाओं पर मुहर लगाने का वादा किया था, 18 लाख पीएम आवास और किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने की बात कही थी। कई योजनाओं पर निर्णय लिया जाएगा, सभी सचिवों के साथ चर्चा होगी। तो आज की कैबिनेट की बैठक विष्णुदेव साय की बेहद अहम है। आज कई फैसले लिए जाएंगे और प्रायोरिटी लेवल पर जो 2 वादे कहा गया था जनता से, जिन वादों का जिक्र किया गया था चुनाव के दौरान, वो ये कि 18 लाख पीएम आवास और किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देना है। इन दोनों पर ही प्रायोरिटी लेवल में आज फैसले लिए जाएंगे। सभी सचिवों के साथ ये चर्चा होगी। कैबिनेट की मीटिंग कई मायने में अहम है। फिलहाल साय की कैबिनेट की पहली बैठक कितनी खास होगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी और करना है।
तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, आज कैबिनेट की बैठक है, पहली कैबिनेट की बैठक विष्णुदेव साय की, क्या फैसले लिए जाएंगे? हालांकि दो फैसले जो प्रायोरिटी लेवल पर है वो हम दर्शकों को बता रहे हैं, कितना खास? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक जो है वो होनी है, और कल पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात की जानकारी दी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आज सभी विभागों के सचिवों के साथ जो है चर्चा की जाएगी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की जाएगी। आज की इस कैबिनेट की बैठक में मोदी की गारंटी पर भी चर्चा होनी है। आज होने वाले इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जारी करने के साथ ही धान खरीदी को लेकर बकाया बोनस, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी, किसानों को एक मुश्त 3100 रुपए का जो है वो भुगतान, इसके साथ ही महतारी वंदन योजना समेत कई अहम मुद्दों पर जो है आज वो चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी ने अपनी पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जारी करने का वादा किया था। इसके साथ ही 25 दिसंबर को किसानों को धान खरीदी को लेकर बकाया बोनस देने का भी वादा जो है वो किया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज की इस कैबिनेट बैठक में इन तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा की जाएगी। हालांकि ये कैबिनेट की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि सरकार आखिर कौन कौन से अहम मुद्दों पर जो है वो मुहर लगाती। जी, बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो इंतजार करना होगा कि आखिर कौन से वो फैसले हैं जो सरकार पहली कैबिनेट में लेती है। आगे बढ़ेंगे, भोपाल की बात करेंगे। गोपाल भार्गव प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे आज राजभवन में, राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएंगे। एमपी के सबसे वरिष्ठ विधायक है गोपाल भार्गव, जो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर आज शपथ लेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि गोपाल भार्गव वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और गोपाल भार्गव आज प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ लेंगे। गोपाल भार्गव, पूरे चुनाव में आपने वो चेहरा देखा होगा और आज प्रोटेम स्पीकर के तौर पर वो शपथ लेंगे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है गोपाल भार्गव के लिए भी। गोपाल भार्गव आज प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ लेंगे। गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश सरकार में सहकारी सामाजिक न्याय पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित और 1984 से रेहली का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा की 8वीं बार वो सदस्य रहे। सबसे बड़ी बात ये उनका राजनीतिक सफर जो है 2013 से अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना रहा और इनकी शुरुआत 1982 से हुई। उन्हें गढ़ाकोटा नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और 84 तक इस पद की वो सेवा की कर चुके हैं। तो गोपाल भार्गव आज प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ लेंगे। तो एक तरफ जहां बीजेपी में हलचल काफी तेज है, मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो गया, शपथ ग्रहण हो गया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की आज बड़ी बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष कुंवर भंवर जितेंद्र सिंह उपस्थित रहेंगे। सभी 66 विधायकों को हाजिर रहने के निर्देश दिए गए हैं। विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो सकता है, अभी इस पर भी चर्चा बाकी है। नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो सकता है और आज विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में चर्चा के बाद ही नेता प्रतिपक्ष का ऐलान होगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होगी और आज इस बैठक में सभी 66 विधायकों को मौजूद रहने की बात कांग्रेस की तरफ से की गई है। विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी चर्चा संभव है और आज नेता प्रतिपक्ष चुन भी लिया जा सकता है कि आखिर कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। वासु चौरे लगातार जुड़े हुए हैं संवाददाता। वासु, आज नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस के बीच चिंतन मंथन?
निश्चित तौर पर देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना विधानसभा चुनावों में करना पड़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके बाद से लगातार मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है। पहले भोपाल में सभी जीते हारे प्रत्याशियों को बुलाया गया, उनकी बैठक हुई, फिर दिल्ली में कमलनाथ ने आलाकमान के साथ बैठक की और फिर तमाम दूसरे नेताओं को भी आलाकमान ने बुलाया, उसके बाद एक बार फिर बैठक, यानी कि ये हार के बाद तीसरी बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे जो नेता हैं वो शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा सभी 66 विधायकों को बुलाया गया। इस बैठक के मुख्य एजेंडों की बात करें तो आने वाले समय में मध्यप्रदेश में कांग्रेस किस तरह से नई सरकार को घेरेगी, कटघरे में खड़ा करेगी, जनता के मुद्दों को किस तरह से उठाया जाएगा और इसके अलावा लोकसभा चुनाव में किस तरीके से एक बड़ा एग्रेसिव कैंपेन चलाया जाए ताकि जो नुकसान विधानसभा में हुआ है उसकी भरपाई हो सके। बड़ा एजेंडा ये भी कहीं ना कहीं बैठक में हो सकता है कि अब मध्यप्रदेश का अगला नेता प्रतिपक्ष क्यों होगा, क्योंकि सिर्फ 66 विधायक कांग्रेस के पास है, 230 सदस्यों वाला मध्यप्रदेश का सदन है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को घेरना कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत की बात हो सकती है, बड़ी चुनौती की बात जो है वो हो सकती है और ऐसा चेहरे की कांग्रेस को तलाश होगी जिसके पास संसदीय ज्ञान हो और संसदीय ज्ञान होने के साथ ही वो एग्रेसिव नेता हो ताकि विधानसभा में सरकार को घेरने में उसकी रणनीति जो है वो कारगर साबित रहे। तो इन बड़े मुद्दों को लेकर आज पूरी बैठक होगी, इसके अलावा कई और मुद्दों पर जो मंथन है, जो चिंतन है वो किया जाएगा। लिहाजा देखना होगा कि इस पूरी बैठक से क्या कुछ आउटकम निकल के सामने आता है और क्या कांग्रेस जो क्षेत्रीय, जातीय और सियासी समीकरण साधने की कोशिश कर रही है नेता प्रतिपक्ष के जरिए, वो नाम खोजने की कोशिश कर रही है, तो क्या वो नाम आज की इस पूरी बैठक में मिल सकेगा, ये जरूर बड़ा सवाल है और ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वासु। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सख्ती की, जहां शहीद जवान का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा इसमें शामिल भी हो सकते हैं, सीएम विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल हो सकते हैं। शहीद कमलेश साहू का गृह ग्राम हसौद में अंतिम संस्कार होगा, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। शहीद के पिता से डिप्टी सीएम ने मुलाकात भी की है, बात की है। नारायणपुर के आमदई खदान में हुए आईईडी ब्लास्ट में कमलेश साहू शहीद हो गए थे, तो बीते दिन ही कमलेश साहू शहीद हुए हैं और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद जवान का अंतिम संस्कार होगा, ड्यूटी पर थे वो और नक्सलियों ने जिस तरीके से आईडी लगा रखे थे इसकी वजह से अब कमलेश साहू हमारे बीच नहीं रहे। फिलहाल आपको बता दें कि अंतिम संस्कार आज किया जाएगा और कल आपको याद होगा शपथ ग्रहण से पहले ही नक्सलियों ने हमला किया था और आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गए थे जिनका नाम हम बता भी रहे हैं, कमलेश साहू। एक जवान जख्मी भी हुए थे। यह हमला नारायणपुर में ऐसे वक्त पर हुआ था जब राजधानी में आयोजित समारोह में विष्णुदेव साय को सीएम पद की शपथ लेनी थी और तब हुआ था ये सब कुछ। फिलहाल आज अंतिम संस्कार होगा। कैलाश कश्यप संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, अंतिम विदाई में कौन कौन से दिग्गज पहुंचेंगे और कब तक अंतिम संस्कार किया जाएगा, कब शुरू होगा? जी अंतिका, आपको बता दूं कल नारायणपुर में नक्सलियों द्वारा कायरतापूर्ण आईडी ब्लास्ट किया गया था जिसमें कमलेश साहू हसौद निवासी एक जवान का शहीद हो गया और एक जवान घायल हुए थे। आज डिप्टी सीएम के आने की संभावना है। रात को उन्होंने उनके पिताजी से फोन पे बात हुई और आने की प्रबल संभावना है। साथ में मुख्यमंत्री जी का भी एक आशंका जताई जा रही है कि वो भी आएंगे और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी उनके पिताजी को आश्वासन दिया हर संभव प्रयास करेंगे और ढांढस जताया। साथ में हसौद क्षेत्र में पूरा जो है गमी माहौल है और दुख का माहौल है। सब सहमे हुए हैं क्योंकि वो एक होनहार जवान थे और सबके से मिलनसार व्यक्ति थे। ऐसे में डिप्टी सीएम के आने की प्रबल संभावना है। प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल सिन्हा ने उनको फोन से बात कराया और उनके गृह ग्राम होने के से बहुत लगाव है। विजय शर्मा जी भी यहाँ कई बार आ चुके हैं हसौद में, तो निश्चित रूप से 10:30 के आसपास उनके आने की संभावना है। हेलीपैड की पूरी तैयारी कर ली गई है और अंतिम संस्कार में शामिल होने की बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए कैलाश।
जबलपुर में बढ़ी हुई है सर्दी और ऐसे में 24 घंटे में पारा लगातार गिरा है, तेजी से गिरा है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस हो गया है और आसमान पर बादल छाए हुए हैं। आने वाले दिनों में भी तापमान और नीचे जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो आसमान में बादल छा गए हैं, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो जबलपुर में मौसम ने करवट ली है और ठंड बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बढ़ने की वजह से मौसम तो सुहाना हुआ ही है, लेकिन लोगों के लिए परेशानी भी है। 12 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।